हेलो 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 मैम चलो स्टार्ट करते हैं ठीक है सबसे पहले हम देखते हैं कि बेलिफ हम कैसे यूज कर सकते हैं ठीक है कोई भी चीज को मैनिफेस्ट करने के लिए आप लोगों ने कई बार किया भी होगा ठीक है जैसे कि न्यू मून आता है जब फुल मून आता है तो उस वक्त इसकी पावर और बढ़ जाती है ठीक है तो जब भी आप कोई भी रिचुअल करते हो ना कोई भी हो ठीक है आपका बिलीफ सिस्टम इंपॉर्टेंट रखता है कि आप किस इंटेंशन के साथ वो चीज परफॉर्म कर रहे हो ठीक है फिर कोई भी हो वो आपका जो भी आपकी विश है वो जरूर पूरी होगी ठीक है तो जो जब भी हम बिलीफ का वो करते हैं रिचुअल करते हैं कोई भी विश के लिए तो आपकी इंटेंशन और साथ में आप किस बिलीफ सिस्टम के साथ वो चीज कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट रखता है ठीक है तो जब भी आप बिलीफ लेंगे तो बिल्कुल एकदम क्लियर होना चाहिए कहीं से भी वो टूटा फूटा नहीं होना चाहिए और ये कोशिश करो कि आप एक मार्केट से ना एक पैकेट आता है बेलीफ का मतलब वो पूरा एक पैकेट होता है खुला मत लाओ खुला लाओगे तो टूटा फूटा रहता ही है ना तो कोशिश करो कि एक फुल पैकेट ले आओ ठीक है और उसको आप अलग से रख लो अपने इन सारे रिचुअल्स के लिए ठीक है तो और छोटी हो बड़ी हो कोई फर्क नहीं पड़ता है बस वो टूटी फूटी ना हो बिल्कुल भी कहीं से भी क्रैक नहीं होना चाहिए और साइड से भी कोई भी टूटी फूटी नहीं होना चाहिए बिल्कुल एकदम साफ एकदम और कहीं से मतलब टूटी फूटी क्रैक बिल्कुल नहीं ठीक है वन आप जो भी विश करोगे तो फिर वो पूरी नहीं होगी ठीक है और जब भी आप जब ये परफॉर्म करोगे तो उस वक्त जब हम बेलिफ को बंद करते हैं ठीक है तो उस वक्त जो उसका स्मोक यूनिवर्स में जाता है तो वो हमारे विष को ऊपर लेके जाता है और वो फिर मैनिफेस्ट होती है ठीक है तो सबसे पहले हम देखेंगे कि मनी के लिए आप कैसे कर सकते हैं ठीक है मनी <coughs> के लिए आपको क्या करना है आ आपको न्यू मून पे ये चीज करनी है ठीक है अभी तो न्यू मून चले गया है तो कोई बात नहीं आप फुल मून में भी कर सकते हैं फुल मून में तो हम करते ही हैं लेकिन अगर न्यू मून आप स्टार्ट कर रहे हैं तो और अच्छी बात है क्योंकि जब हम किसी चीज को बढ़ाने के लिए यानी कि न्यू मून आप देखे ही होंगे एकदम पतला सा मून होता है ठीक है फिर वो तो धीरे 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 बढ़ता है ठीक है फुल मून में जाता है वैसे ही अगर हमें पैसे बढ़ाने हैं अपनी लाइफ में तो क्या करेंगे हम न्यू मून पे वो लेंगे अगर फिर भी आपको करना है जल्दी कोई चीज तो आप कर सकते हैं जैसे कि मैंने बताया कि आपका इंटेंशन प्योर होना चाहिए ठीक है किस इंटेंशन के साथ आप कर रहे हो ठीक है कितने पॉजिटिव होके कर रहे हो वो इम्पोर्टेंट रखता है ठीक है आप लोगों को ना किसी का ना अनम्यूट है तो आप लोग म्यूट कर लो नहीं नहीं तो एक नहीं। मैं कर देती हूँ यहाँ से हाँ तो आप लोगों को एक बेलीफ लेनी है ठीक है और बिल्कुल एकदम साफ क्लीन होना चाहिए ठीक है और एक ग्रीन कलर का स्केच पेन लो ठीक है क्योंकि जैसा हम पेन से लिखते हैं ना तो कई बार वो टूट सकती है क्योंकि बहुत नाजुक होती है बेली आप लोगों ने देखा ही होगा तो वहां पे आप स्केच पेन ले सकते हो या फिर जेल पेन यूज कर सकते हो लेकिन ग्रीन कलर का होना चाहिए क्योंकि हम हमेशा मनी के लिए ग्रीन कलर का यूज करते हैं ठीक है तो स्केच पेन आप ले आओ या फिर एक काम कर सकते हो जैसे स्केच पेन के पूरे कलर्स होते हैं ना बारह कलर वो आप लेके आ सकते हो कहीं ना कहीं वो काम तो आ ही जाएंगे तो बहुत वो इजिली आपको मिल जाएंगे तो वो लेके आ सकते हो ठीक है फिर आपको क्या करना है न्यू मून में आपको उसमें लिखना है मनी ठीक है कैपिटल लेटर में होना चाहिए स्मॉल लेटर में नहीं होना चाहिए ठीक है और उसके बाद आपको क्या करना है और उसको सीधे साइड में आपको लिखना है दो साइड होता है बेलिफ का ठीक है एक साइड एकदम प्लेन होता है और दूसरी साइड थोड़ा सा मतलब और, थोड़े दाने दाने टाइप का रहते हैं ना आप लोगों ने देखा भी होगा तो वहां पे जो सीधा साइड होगा ना वहां पे आप लोगों को लिखना है ठीक है कोई कंफ्यूजन होगी तो मैं आप लोगों को पिक भी भेज दूंगी ठीक है कंफ्यूज नहीं होना है ठीक है आप वहां पे मनी लिख सकते हो ठीक है या फिर जो मैंने अभी व्हाट्सअप पे एक सिम्बल्स भेजा है ना रूपीज का सिम्बल वो आप उसमें बना सकते हो ठीक है हाँ तेज पत्ता ही होता है बेलिफ को हम तेज पत्ता बोलते हैं ठीक है आप उसमें रुपीज का सिंबल्स बना देना ठीक है और जैसे आप लिख रहे हो ना तो पूरा ध्यान आपका वही होना चाहिए आ, उस इंटेंशन के साथ कि आपके लाइफ में बहुत सारा मनी पैसा आ रहा है ठीक है अभी हम मनी के लिए कर रहे हैं तो वहां पे आपको रुपीस का सिंबल्स बनाना है और न्यू मून में ये चीज करनी है ठीक है और उस जो तेज पत्ता बेलीफ है उसको क्या करोगे आप अपने पर्स में रख लो वॉलेट में रख लो या फिर आप जहां अगर कोई आपका बिजनेस है आपकी शॉप है तो वहां पे आप उस बेलीफ को रख सकते हो ठीक है मतलब उसको न्यू मून से आपको न्यू मून तक रखना है ठीक है फिर आने वाले न्यू मून में आपको उसको बंद कर देना है लेकिन जब आप रखोगे तो उसके कुछ देर पहले आप क्या करोगे अपने दोनों हाथों को रब करोगे और जो तो रेकी हीलर है तो वो बेलीफ को चार्ज भी करेगा ठीक है चार्ज आपको पता ही होगा कि कैसे करते हैं हम रेकी से ठीक है सिंबल्स वगैरह ड्रॉ करके अगर नहीं भी पता है तो कोई बात नहीं मतलब नहीं सीखे हो तो हाथों को रब करना है और आपको जैसे ये बेलीफ बेलीफ आपने लिया है और उसको लेफ्ट हैंड पे रखना है ठीक है कभी भी आपको कोई चीज मतलब रिसीव करनी तो आप उसको हमेशा लेफ्ट हैंड पे रखोगे क्योंकि हमारा जो लेफ्ट हैंड होता है वो रिसीविंग हैंड होता है ठीक है तो आपको बेलीफ को रखना है लेफ्ट हैंड पे और राइट right हैंड से आपको ऐसे ढक देना है ठीक है और ढक के ही आपको विजुलाइज़ करना है कि आपके लाइफ में बहुत सारा पैसा आ रहा है ठीक है या जैसे भी आप चाहते हो कि आप कहीं पर कोई आ, मतलब हीलिंग कर रहे हो आपके कोई क्लाइंट है या फिर आपकी आ, आपकी कोई शॉप है कुछ भी जहां से आपके पैसे आते हो ठीक है तो वहां पे आप क्या करोगे आपको विजुलाइज करना है कि वहां से आपके पास बहुत सारे पैसे आ रहे हैं बिल्कुल एकदम पॉजिटिव होके सोचना है प्रेजेंट टाइम्स में सोचना है कि सचमुच में वो चीज हो चुकी है ठीक है देन उसके बाद आप उसको रख दो जहां पर भी आपका कोई बॉक्स है जहां पे पैसे रखे जाते हैं ठीक है पहले से उसमें पैसे हो या आप पे उसमें पैसे रखते हो आप अपने पर्स में भी रख सकते हो ठीक है लेकिन ध्यान रखना कि वो टूटे उठे ना ठीक है हाँ मैं बता रही हूँ जॉब के लिए भी मैं बता रही हूँ अभी हम सिर्फ ही मनी के लिए कर रहे हैं ठीक है तो फिर आप क्या करोगे उसको आप रख दीजिए देन उसके बाद जैसे कि आज न्यू मून है फिर आने वाले न्यू मून में आप उसको निकालोगे ठीक है आपके पैसे उस वक्त आ रहे हैं नहीं आ रहे कोई मैटर नहीं करता है ठीक है नेक्स्ट मून जब आएगा तो उसको आपको निकालना है देन उसके बाद आपको उसको बंद करना है ठीक है कभी भी गैस में आपको डायरेक्ट उसको बंद नहीं करना है ठीक है क्योंकि गैस में हम खाना वाना बनाते हैं तो वहां पे हम इतनी प्योर चीज को हम बंद नहीं कर सकते जो हमारी विश वाली चीज है ठीक है तो आप एक कैंडल लीजिए ठीक है कैंडल में उसको आप बंद करो जब भी आप बंद करोगे तो ये आपको फील करना है कि जो भी इसकी स्मोक है वो यूनिवर्स में जा रही है आपकी विश को लेके या फिर आपकी विश पूरी हो चुकी है इस तरीके से आपको इंटेंशन डालना है कि ये जो इसका स्मोक धुआं ठीक है यूनिवर्स में जा रहा है वो आपकी विश को लेके जा रहा है यूनिवर्स की तरफ या फिर आपकी सारी विश जो मनी से रिलेटेड है वो पूरी हो चुकी है ठीक है देन उसके बाद जो भी उसका आ, आ, राख निकलता है हल्का फुल्का निकलेगा ही तो उसको आप कर सकते हो किसी आप प्लांट में डाल दो पानी में बहा दो ये चीज कर सकते हो बहुत इजीली वे में आप बहा सकते हो ज्यादा कुछ नहीं निकलता फिर या फिर एक काम कर सकते हो जैसे कि आपने बेलीफ को बंद किया ना तो किसी पेपर के ऊपर करो क्योंकि बहुत उसका सॉफ्ट होता है अगर वो जमीन पे गिरा ना तो आप उठाओगे तो वो आपके हाथ में भी नहीं आएगा ठीक है तो आप उसको लो ठीक है देन उसके नीचे आप एक पेपर रख लो और उसके ऊपर जलाओ और उसको फिर जब जल जाए तो उसके बाद उसमें जो भी राख है उसको अच्छे से ढक के किसी प्लांट में डाल दो पानी में बहा दो कि वो आपकी विश पूरी हो चुकी है ठीक है हाँ मैं बता रही हूँ स्टडी के लिए भी बता रही हूँ तो ये हो गया मनी के लिए इतना ये समझ आया आपको कि किस तरीके से करना है ठीक है आपने एक बेलीफ ली एकदम क्लीन कहीं से भी टूटी फूटी कुछ नहीं होना चाहिए ठीक है उसमें रुपीस का आपने सिंबल्स बनाया या फिर मनी का भी बना सकते हो ठीक है देन उसके बाद आपके पास जहां पे पैसे रखे जाते हैं आप उसको वहां पे रख दो और आने वाले न्यू मून में फिर से आप उसको चेंज कर दो ठीक है चेंज मतलब आपने इसको बंद कर दिया फिर न्यू मून में सेम ये आपको प्रोसेस करना है ठीक है मतलब ये कंटिन्यू प्रोसेस चलते रहना है ठीक है मतलब एक आपने जला दिया दूसरा आपने फिर से वहीं पर न्यूमून पे रखा ठीक है इसमें किसी को डाउट नहीं डाउट ना आगे बढ़े हम ठीक है नेक्स्ट हम देखते हैं कि आपकी कोई भी विषय जैसे कि अभी आप जॉब के लिए पूछ रहे हो ठीक है स्टडी के लिए किसी भी चीज के लिए तो वहां पे आप क्या करोगे आपको एक ग्रीन कलर का ही पेन सॉरी स्केच पेन लेना है या जेल पेन लेना है आपकी कोई भी हो सपोज अभी हम फॉर एग्जाम्पल के लिए जॉब लेते हैं ठीक है आप उसमें लिखोगे जॉब ठीक है आपको प्रेजेंट टेंस में लिखना है सिर्फ जॉब और कैपिटल लेटर में लिखना है स्मॉल लेटर में नहीं लिखना है और सीधे साइड में लिखना है ठीक है इसमें कंफ्यूज नहीं होना ठीक है मैं आपको बता दूंगी कि सीधा उल्टा कौन सा साइड होता है ठीक है उसके बाद आपने लिखा उसमें जॉब लिखते लिखते ही पूरा आपका ध्यान पूरा आपका फोकस ना आपकी जॉब पे होना चाहिए मतलब आपको कैसी जॉब चाहिए कहाँ पे जॉब चाहिए ठीक है आ, कितना आपकी सैलरी होनी चाहिए मतलब आपके दिमाग में सिर्फ वही सब चीजें चलती होनी चाहिए मतलब आपको बिल्कुल भी निगेटिव उस वक्त नहीं होना है कि कैसे मिलेगी जॉब कैसे मैं मतलब ये मैं क्लियर कर सकूंगी मतलब बिल्कुल भी नहीं उस वक्त आप लोगों को बिल्कुल भी निगेटिव नहीं होना है वरना जो भी आप विश मैनिफेस्ट कर रहे हो फिर उसमें रुकावटें आएंगी ठीक है पूरी तो होगी लेकिन क्या होगा फिर उसमें डिले होगा तो जब भी आप कोई भी विश को लेके कोई रिचुअल करते हो तो उस वक्त आप लोगों को बहुत पॉजिटिव रहना है और प्रेजेंट टाइम्स में सोचना है ठीक है आपने लिखा उसमें जॉब देन उसके बाद फिर से आपने क्या किया दोनों हाथों को रब किया और आपने रखा अपने लेफ्ट हैंड पे उस बेलिफ को और देन उसके बाद अपने राइट हैंड से आपको ढक देना है और यूजलाइज करना है कि आपको वहां जॉब लग चुकी है अगर कोई आपका ड्रीम है कि मुझे उस कंपनी में ही जॉब चाहिए ठीक है तो वो विजुलाइज करो कि आप उस कंपनी में जा रहे हो ठीक है वहां का बॉस बहुत अच्छा है मेरी सैलरी बहुत अच्छी है जितनी आप सैलरी चाहते हो ठीक है वहां के सारे लोग बहुत अच्छे हैं मैं बहुत अच्छे से अपना काम कर रही हूँ इस तरीके से आप ढक के ही मतलब विजुलाइज करते रहो करते रहो बिल्कुल पॉजिटिव होके ठीक है फिर जब आपको लग रहा है कि हाँ मैंने जो भी मेरी विश थी वो मैंने मैनिफेस्ट कर ली है देन उसके बाद आपको फिर से एक कैंडल लेनी है और उसको आप बंद करके ये फील करो कि जो भी इसका स्मोक है धुआं है वो यूनिवर्स की तरफ जा रही है आपकी विश को लेके ठीक है और उसका जो बच्चे का उसको आप प्लांट में या फिर पानी में बहा दो ये जॉब के लिए आप कर सकते हो आप फुल मून में तो हम करते ही हैं ठीक है न्यू मून में करोगे तो और अच्छा है इंक्रीज करने वाली चीजें आप न्यू मून में कर रहे हो तो अच्छा है और फुल मून में आप कोई चीज को अगर मतलब कम करना चाहते हो जैसे कि आपका कोई इशू हो गया ठीक है अः बहुत अगर एंगर इशू है आपका फियर का इशू है तो आप उसको फुल मून में परफॉर्म करो ठीक है ताकि वो धीरे 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 न्यू मून तक कम हो जाएगा ठीक है हाँ हाँ मनी को कैपिटल लेटर में लिखना है पूरा इसका जो मनी लिखते है ना ओ एन वाई पूरा आपको कैपिटल लेटर में लिखना है उसमें कहीं पर भी स्मॉल लेटर यूज नहीं करना है ठीक है मतलब कोई भी आप लिखोगे मनी के, के, के लिए लिखोगे जॉब के लिए लिखोगे है ना मैरिज के लिए लव के लिए कुछ भी लिखोगे तो वहां पे आपको कैपिटल लेटर यूज करना है ठीक है फियर के लिए आप कैसे करोगे <coughs> आपको फुल मून पे ये चीज करनी है ठीक है आ, क्योंकि फुल मून से न्यू मून आते आते वो धीरे धीरे कम होगी ठीक है आप फियर के लिए कर सकते हो एंगर के लिए कर सकते हो क्योंकि ये चीज हमें मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रेस देती है और यही चीज को कम करने के लिए बहुत टाइम लगता है जो हमारे रूट चक्र से कनेक्ट होती है चीजें उसको हील करने में बहुत टाइम लगता है ठीक है तो आप जैसे स्ट्रेस हो गया ठीक है आ, कोई एंजाइटी है फियर है तो उसमें आप क्या करोगे रेड यूज लिखोगे और लेके इंटेंशन डालोगे कि ये मेरा इशू है ठीक है वहां पे आपको फियर ये सब नहीं लिखना सिर्फ आपको लिखना है रेड यूज करके ठीक है ये लिखने के बाद आप क्या करोगे लेकिन इसको आपको ऑरेंज पेन सॉरी स्केच पेन से लिखना है ठीक है आपने लिखा देन उसके बाद फिर से आपने उसको लेफ्ट हैंड पे रखा और उसको ढक के उसको visualize करना है कि मेरा fear पूरी तरीके से खत्म हो गया है मैं किसी भी सिचुएशन में डरती नहीं हूँ ठीक है कोई भी सिचुएशन हो जहाँ पे आपको बहुत ज्यादा फियर लगता है कि आप उस चीज को फेस ही नहीं कर पाओगे कभी ऐसा होता है ना कि कोई ऐसी चीज ऐसी कोई सिचुएशन जो मतलब अचानक से हमारे दिमाग में आती है तो बहुत ज्यादा हम डर जाते हैं या फिर सोचते हैं कि सचमुच में अगर ये सिचुएशन होगी तो मैं कैसे रिएक्ट करूंगी या मैं इसको कैसे फेस करूंगी ठीक है तो उस सिचुएशन को आपको याद करना है कि वो सिचुएशन आपके सामने हो रही है लेकिन आपको बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा है बिल्कुल आप पीस की स्टेज पे हो ठीक है बिल्कुल दम पावरफुल फील कर रहे हो आपको वो चीज वो सिचुएशन बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं कर रही है ये चीज आपको करना है मतलब जो चीज आपको बहुत ज्यादा डरा रही है एंजाइटी ला रही है ठीक है आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस दे रही है उस सिचुएशन को आप याद करो या कोई भी सिचुएशन आप याद कर सकते हो जहां पे आपको ये सोचना है कि कोई भी सिचुएशन आपके सामने आ रही है आप बिल्कुल इजली वे में उसको लैडको कर पा रहे हो ठीक है देन उसके बाद आपने अच्छे से राइज कर लिया उसके बाद आपने उसको लिया कैंडल में ठीक है उसको बंद किया सेम प्रोसेस रहेगा ठीक है लेकिन आपको क्या लिखना है कैसा इंटेंशन डालना है और कितना पॉजिटिव होके करना है वही चीज इम्पोर्टेंट है ठीक है आपने लिया उसको बंद किया और जैसे ही उसका स्मोक ऊपर की तरफ जा रही है तो आपको फील करना है ठीक है कि ये जो आपकी विश है वो यूनिवर्स के पास जा रही है और आपका जो भी डर है गुस्सा है सब कुछ वो खत्म हो रहा है ठीक है आने वाले न्यू मून तक वो सब कुछ खत्म हो जाएगा ऐसा आपको फील करना है ठीक है <coughs> मैम किसी के साथ कर मू हाँ ऑरेंज कलर से इसको लिखना है ठीक है आप एक स्केच पेन का लिया आओ जैसे मैंने बताया ठीक है बारह कलर होते हैं उसमें तो वो ले आओ आपको कहीं ना कहीं यूज होगा ठीक है पैसे के लिए तो आप हमेशा ग्रीन कलर का यूज करो ठीक है अगर ग्रीन नहीं है तो आप रेड कलर भी यूज कर सकते हो येलो भी कर सकते हो लेकिन ब्लैक नहीं करना है ठीक है देन उसके बाद आपको क्या करना है जैसे कि आपको लग रहा है कि मेरी किसी से कॉर्ट जुड़ी हुई है ठीक है जैसे हम बोलते हैं कि आप कॉर्ड कटिंग कर करो कॉर्ड कटिंग कर करो और इस जर्नी में तो बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि जब हम दूसरों की एनर्जीज को पिक करते हैं ठीक है तो कहीं ना कहीं हम उसकी एनर्जीज को पिक करके लो होते हैं बहुत निगेटिव होते हैं या फिर जो हमारे कार्मिक होते हैं ना तो उनकी भी एनर्जी को पिक करके हम लो होते रहते हैं तो कई बार डीएम की भी एनर्जी को पिक करके लो होते हैं जब उनकी अवेकनिंग स्टार्ट होती है या फिर वो बहुत ज्यादा सोचते हैं कैसे भी एनर्जी हमारे पास भेजते हैं तो हम बोलते हैं कि उनसे कॉड कटिंग करो क्योंकि आपकी अवेकनिंग के टाइम आपने तो सारी चीजें फील की ठीक है लेकिन क्या होता है जब डीएम की अवेकनिंग होती है उस टाइम भी आप उनकी एनर्जी को पिक करके लो होते हो तो उस वक्त आप लोगों को डिटैच रहना है ताकि उनकी अवेकनिंग और जल्दी जल्दी हो ठीक है लेकिन अगर आप उनकी एनर्जीज को पिक करके लो हो गए तो कहीं ना कहीं फिर आप स्टक होगे आप उनको स्टॉक करोगे तो उनकी भी एनर्जी सेम होने वाली है ठीक है तो इसमें आपको क्या करना है आपको इसको ट्यूजडे को करना है इसमें न्यू मून फुल मून कुछ नहीं होता है आपको ट्यूजडे के दिन करना है ये चीज और उसमें लिखना है कॉर्ड कटिंग ठीक है किसी के साथ भी करना है आप सिर्फ ये सोचो कि उस पर्सन के साथ मेरी कॉर्ड कटिंग हो रही है फॉर एग्जाम्पल के लिए आपको डीएम के साथ करना है ठीक है तो वहां पे आप लिखोगे कॉर्ड कटिंग कैपिटल लेटर में आपको लिखना है देन उसके बाद आप उसको ढक दो और विजलाइज करो कि मेरे डीएम के साथ मेरी कटिंग हो चुकी है और मैं बिल्कुल भी उसकी एनर्जी पिक करके लो नहीं हो रही हूँ मैं पीस की स्टेज पे हूँ मैं अपना इन वर्क अच्छे से कर रही हूँ मैं अपनी जर्नी पे पूरी तरीके से ध्यान दे रही हूँ इस तरीके से आपको फील करना है मतलब कही कहीं हम उसकी एनर्जी पिक करके लो होते हैं आपने फील भी किया होगा कई बार कि आपको बहुत ज्यादा सडन याद आती होगी डीएम की आप बैलेंस फॉर्म में हो लेकिन सडन क्या होता है आपको बात करने का मन करेगा क्रेविंग होगी मिलने की तो कहीं ना कहीं उनकी एनर्जी होती है फिर आप कितना परेशान होते हो कि मतलब आप करो, कि किसी के साथ भी ये चीज कर सकते हो जहाँ पे आपको लग रहा है कि आप सिर्फ उसके बारे में सोच रहे हो ठीक है कई बार ऐसे कार्मिक भी होते हैं जहाँ पे हम दिन भर उसके बारे में सोचते हैं कि उसने मुझे ऐसे बोल दिया है ना उसने मेरे साथ ऐसा किया तो कॉर्ड तो जुड़ी हुई है तो कंटिन्यू वो सारी एनर्जीज यहाँ पे आ रही है ठीक है तो वो चीज आप लोग कर सकते हो कॉर्ड कटिंग लिखा आपने दें उसके आपने देन बाद उसको लेफ्ट हैंड पे रखा और राइट right हैंड से आपने उसको ठका, और उस करना है जिसके साथ भी आपको ये चीज करनी है ठीक है तो वहां पे आपको फील करना है कि उसके साथ आपकी कॉर्ड कटिंग हो रही है बहुत अच्छे से या हो चुकी है आप उसके एनर्जी पिक करके बिल्कुल भी लो नहीं हो रहे हो ना ही आप उनके बारे में सोच रहे हो ठीक है उसके बाद आप उसको बंद कर दो जैसे आप हमेशा की तरह करते हो जो भी स्मोक हो गया धुआं हो गया ऊपर की तरफ जा रहा है वो यूनिवर्स की तरफ जा रही है और यूनिवर्स भी आपकी हेल्प कर रहे हैं ठीक है और उनकी एनर्जीज आपके पास नहीं आ रही है इन सारी चीजों के लिए ठीक है इतना समझ आया <coughs> कोई भी चीज मैनिफेस्ट करने की हाँ जैसे कि अगर आपको मनी चाहिए मैरिज के लिए है ना लव के लिए ठीक है किसी भी चीज के लिए वैसे तो हम फुल मून में भी करते हैं फुल मून तो उसकी तो एनर्जी रहती ही है ठीक है कोई भी चीज को मैनिफेस्ट करने के लिए लेकिन अगर आपको किसी चीज को रिलीज करना है ठीक है आप फुल मून में तो करोगे ही मैनिफेस्ट ऐसा नहीं कि आपको फुल मून में नहीं करना है ठीक है लेकिन अगर किसी चीज को रिलीज करना है आपको अपनी लाइफ से कोई पर्सन हो गया कोई आपका इशू हो गया कुछ भी हो गया तो आप उसको फुल मून पे करोगे क्योंकि फुल मून आपने देखा होगा बिल्कुल एकदम राउंड uh, शेप में होता है कहीं से भी कम नहीं होता है ठीक है फिर क्या होता है वो न्यू मून तक धीरे 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 कम होते जाता है वैसे ही हमारे जो इशू है वो धीरे धीरे कम होते जाएंगे इसलिए आपको अगर अपनी लाइफ से किसी चीज को निकालना है तो आप फुल मून पे उसको परफॉर्म करो ठीक है लेकिन फुल मून में भी आपको चीजें मैनिफेस्ट करनी है क्योंकि उसकी एनर्जी तो वो अलग ही लेवल पे आपकी विश को पूरी करती है ठीक है uh, uh, कौन सी चीज को कितने दिन करना है रिलीज का बता रहे हैं आप आ, पूछ रहे हैं जैसे अगर किसी चीज को रिलीज करना है ना तो आप आ, हर फुल तक करो जब तक आपको फील नहीं हो रहा है कि वो इश्यू आपके अंदर से खत्म नहीं हुआ है तो आप मैनिफेस्ट करते रहो उसको ठीक है मतलब उसको रिलीज करते जाओ ठीक है कॉट कटिंग वाला आपको नाइन ट्यूसडे तक करना है ठीक है अगर बहुत टाइम से आपको लग रहा है कि उसके साथ आपकी कॉर्ट जुड़ी हुई है तो नाइन टू तो आपको करना ही होगा ठीक है कॉड कटिंग का आप उससे ऑरेंज से लिख सकते हो रेड से लिख सकते हो ठीक है इससे लिख सकते हो थीके? अब बात करेंगे जैसे कि साइकिक प्रोटेक्शन के लिए मनी ब्लॉकेज के लिए सिंपल आपको मनी लिखना है ठीक है मनी लिखा आपने वहां पे सेम चीज आपको करनी है मनी लिख सकते हो रुपीस का सिंबल्स बना सकते हो या फिर आपका कोई बिजनेस है ठीक है आप हीलर हो ठीक है तो वहां पे आप क्लाइंट लिख सकते हो अगर आपका कोई शॉप वगैरह है तो वहां पे आप कस्टमर या क्लाइंट लिख सकते हो ये चीज आप लिख सकते हो मतलब जहां से आपके पास पैसे आ रहे हैं तो वो चीज आपको लिखनी है कैपिटल लेटर में ठीक है तो आप उसको न्यू मून में लिखो और आप अपने पर्स में रख सकते हो उसको ठीक है अगर आपकी कोई जॉब नहीं लग रही है आप जॉब करना चाहते हो तो वहां पे आप जॉब लिख सकते हो कैपिटल लेटर में ठीक है और उसको फिर आप अपने पर्स में रख सकते हो फुल मून में तो करना ही है लेकिन साथ में आपको न्यू मून में भी इसको परफॉर्म करना है ठीक है न्यू मून से न्यू मून तक करो फिर उसको बंद कर देना है फिर उसके टाइम ही जब आप उसको बंद करोगे उसके बाद फिर से एक बेलीफ लेनी है और उसमें फिर से आपको जॉब लिखना है कैपिटल लेटर में ग्रीन कलर से देन उसके बाद उसको आप अच्छे से रख दो तो. पर्स में रखोगे तो ध्यान रख के कि टूटे फूटे ना ठीक है ज्यादा आपका हाथ उथ ना लगे उसपे ओके हाँ, एक बार में आपको सिर्फ एक ही पर्सन के साथ कॉर्ड कटिंग कर करनी है ठीक है और जैसे कि आपने एक बेली क्योंकि हम जि, जिस वक्त इंटेंशन डाल रहे हैं तो वहां पे हमको सिर्फ एक ही के बारे में सोचना है अगर आप दो तीन लोगों के बारे में सोचोगे तो फिर वो कंफ्यूज होगे ना तो आपका ध्यान कभी यहाँ जाएगा कभी वहां जाएगा तो इससे अच्छा है कि आप एक टाइम में सिर्फ एक ही पर्सन से कॉर्ड कटिंग कर करो ठीक है कोई भी हो सकता है कार्मिक हो आपके डीएम हो या फिर आपको लग रहा है कि बहुत टाइम से आपकी एनर्जी उनके साथ जुड़ी हुई है या फिर कई बार ऐसा होता है कि अम्म कोई हमारे क्लोज वन जो यहाँ से चले जाते हैं लेकिन फिर भी हम उनके बारे में सोचते हैं रोते हैं क्योंकि उनकी कॉट आपके कॉट से जुड़ी हुई है ठीक है इसलिए आप उनके बारे में सोच रहे हो कंटिन्यू कंटिन्यू तो आप मतलब एवरी ट्यूसडे आप वो चीज कर सकते हो जहाँ पे आपने लिखा कॉर्ड कटिंग ठीक है और उसके बाद उस बेलीफ को आपने अपने हैंड पे रखा और विजुलाइज़ किया कि उस पर्सन के साथ आपकी कॉर्ड कटिंग हो चुकी है ठीक है आपको ये चीज फील भी करना है कि मेरी कॉर्कटिंग हो चुकी है मुझे उसकी एनर्जी बिल्कुल भी पिक नहीं हो रही है मैं बिल्कुल बैलेंस फॉर्म में हूँ मैं अपनी लाइफ में बहुत अच्छे से ग्रोथ कर रही हूँ अपनी जर्नी में बहुत अच्छे से ग्रोथ कर रही हूँ बिल्कुल भी मुझे किसी की भी एनर्जी इफेक्ट नहीं करती है ठीक है इस तरीके से आप लोग ये चीज करोगे अब बात करते हैं जैसे कि आपको साइकिक प्रोटेक्शन सॉरी साइकिक पावर को बढ़ाना है ठीक है कई बार ऐसा होता है हमें जनी पे बहुत सारी चीजें डाउनलोड नहीं होती है कई डी एफ ये कंप्लेन भी करती हैं कि हमें डाउनलोड नहीं होता है चैनलिंग नहीं होती है तो हम क्या करें ठीक है तो इसके लिए आपको क्या करना है एक बेलीफ लेनी है या फिर आपको रात में सोते वक्त आपको बहुत गंदे ड्रीम्स आते हैं आप पर अटैक्स होता है तो सेम दोनों का प्रोसेस है लेकिन इंटेंशन आपको डालना है जिस चीज के लिए आप ये चीज कर रहे हो ठीक है आपको एक बेलीफ लेनी है और उसको रात में आप सोते वक्त उसको पिलो के नीचे रखोगे उसमें आप कुछ भी नहीं लिखोगे ठीक है जब भी साइकिक पावर को इंक्रीज करना हो या फिर जो भी आपको ड्रीम्स आ रहे हैं ठीक है अटैक्स हो रहे हैं ड्रीम में में रात तो सिर्फ उसमें इंटेंशन डालना है नॉर्मली बैठना है अपने लेफ्ट हैंड में आपको उस बिलीफ को रखना है देन उसके बाद आपको ये फील करना है कि मेरी साइकिक पावर इंक्रीज हो रही है ठीक है मुझे डाउनलोड्स हो रहे हैं मतलब ट्यूशन पावर बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुकी है कल जो चीजें होने वाली है वो मुझे पहले से पता चल रहा है मुझे कलेक्टिव के बारे में भी सारी चीजें पता चल रही है मतलब इस तरीके से आप जैसे चाहते हो ठीक है उस तरीके से आपको फील करना है उस बेलिफ को रखें ठीक है अगर आपको गंदे ड्रीम्स आ रहे हैं आप पर अटैक्स हो रहे हैं तो आपने बिलीफ को लिया उसके बाद उसको ढक दिया देन उसके बाद आपको फील करना है कि आप रात में बहुत अच्छे से सो रहे हो ठीक है आप पीसफुली सो रहे हो कोई आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहा है आपके ड्रीम भी बहुत अच्छे आ रहे हैं ठीक है थीके? किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है इस तरीके से आपने उसमें इंटेंशन डाला देन उसके बाद आपने उस बिलीफ को पिलो के नीचे रख दिया और उठने के बाद आपको बंद करना है उसको ठीक है मतलब सुबह उठ के ही उसको बंद करना है रात भर वो आपके पिलो के नीचे रहेगा और सुबह उठ के उसको बंद करना है ये आपको डेली करना है ठीक है जब तक आपको लग नहीं रहा है कि मेरी साइकिल पावर इंक्रीज हो गई है या फिर आपके जो ड्रीम्स मतलब अब ठीक आ रहे हैं मुझे ठीक है तब तक आप उस चीज को परफॉर्म करो डेली आप एक बेली बेली फ्लो और उसको पिलो के नीचे डाल के रखो और सो जाओ आराम से सुबह उठने के बाद उसको बंद कर दो ठीक है ये समझ आया इतना समझ आया किसी को मतलब सबको समझ आया ना इसमें किसी को डाउट वगैरह तो नहीं है ना न्यू मून फुल जिस दिन न्यू मून होगा ना और फुल मून होता है उसी दिन आपको करना है एनर्जी तो पहले ही स्टार्ट हो जाती है ठीक है उसके चार पांच दिन पहले से आप लोगों को हैवी फील, आ, फील होता है लेकिन जो न्यू मून का दिन होता है फुल मून का दिन होता है उसी वक्त उसी दिन आप लोगों को ये चीज करनी है आप कोशिश करो कि सात आठ बजे के बाद कर सकते हो ठीक है दिन में मत करो सात आठ बजे के बाद आप इस चीज कर सकते हो ठीक है हाँ एक साथ भी कर सकते हो आप जैसे कि लेकिन इसमें दो बेलीफ आपको लेनी पड़ेगी ठीक है आपने एक बेलीफ ली ठीक है आपने एक बेलीफ ली कि आ, मेरी साइकिक पावर इंक्रीज हो रही है उसके बाद उसमें आपने इंटेंशन डाला देन उसके बाद आपने उस बेलीफ को रख दिया पिलो के नीचे उसके बाद फिर से आपने एक बेलीफ ली उसमें इंटेंशन डाला कि आपको जो ड्रीम मतलब बहुत ज्यादा गंदे ड्रीम्स आ रहे हैं ड्रीम्स में आप पर अटैक्स हो रहे हैं तो आपने उसमें इंटेंशन डाला कि आपको बहुत अच्छे से नींद आ रही है दोनों आप रात में रख दो उसके बाद आप क्या करोगे सुबह उठते ही आप उसको बंद करो और जो भी आप बंद कर रहे हो आपको तो पता ही होगा कि ये आपने साइकिल पावर को इंक्रीज करने के लिए मैनिफेस्ट किया है या फिर ये चीज उसके लिए किया है ठीक है थोड़ा दूर दूर रख सकते हो उसके बाद उठ के आप उसको बंद करो और आपको ये सोचना है कि वो चीज पूरी हो चुकी है ठीक है आपकी सैकिल पावर इंक्रीज हो चुकी है या फिर जो ड्रीम आपको गंदे आ रहे हैं वो पूरी तरीके से खत्म हो चुके हैं जब तक ये चीज आपको दिखना स्टार्ट नहीं होते तब तक ये चीज आप करो ठीक है को कोई भी सोलह नहीं हाँ फुल मून में आपके कोई भी इशू है ना आप ले सकते हो जैसे कि मैंने बताया कि की आ, आ, कोई एंगर का इशू है ठीक है अगर कोई आपका फियर है ठीक है एंजाइटी है ठीक है बहुत ज्यादा आपको किसी चीज से डर लगता है ठीक है या फिर कई बार ऐसा होता है ना कि हमें बोलने में भी डर लगता है मतलब कहीं पर हम जा रहे हैं तो चीजों को हम रख नहीं पाते हैं तो वहां पर भी ये चीज कर सकते हो आप मतलब जो चीज जो चीज को आपको खत्म करनी है ना वो चीज आप कर सकते हो मतलब फुल मून में आपको ये चीज करनी है फुल मून में आप करोगे तो उससे क्या होगा कि जो चीज मतलब आपके लाइफ से हटाना है कम करना है तो उसको आप फुल मून में परफॉर्म करोगे ठीक है कोई भी इशू हो सकता है उसमें ऐसा कुछ नहीं है ठीक है आपको पता ही होगा कि आपका कौन सा इशू है अगर आपको ये है कि डीएम को बहुत ज्यादा स्टॉक करते हो आप उस चीज को आपको रिलीज करना है कि ये चीज मेरे लिए ठीक नहीं है या ये चीज मेरे हाइस गुड के लिए ठीक नहीं है तो आप क्या करोगे उसमें आप उस इशू को लिखोगे ठीक है देन उसके बाद उसको थोड़ी देर के लिए आप इंटेंशन डालो या फिर फील करो कि वो चीज पूरी हो चुकी है जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो ना कहा मतलब मेन पॉइंट कहाँ पे होता है जब आप उस चीज को इंटेंशन डालते हो या फिर करते हो ठीक है आप लिख रहे हो तो भी आपका पूरा फोकस उसी में होना चाहिए कि आप क्या लिख रहे हो क्या सोच रहे हो क्या चीज विजिलाइज कर रहे हो ठीक है तो कोई भी इशू आप ले सकते हो फुल मून के दिन उसको रिलीज करने में बहुत अच्छा होता है बाकी तो हम मैनिफेस्ट करते ही है फुल मून में ठीक है सिर्फ न्यू मून के दिन ही बेलीफ बंद करना है जो न्यू मून का मैंने बताया ना कि न्यू मून में आपको बेलीफ लेना है ठीक है और फिर दूसरे न्यू मून तक उसको निकालना है तो दूसरे न्यू मून तक आप उसको निकालोगे जैसे अभी एक न्यू मून गया ठीक है और आने वाले न्यू मून में आप उसको निकालोगे उसको बर्न करोगे ठीक है जो भी आप विश मतलब मनी के लिए हो गया जॉब के लिए ठीक है आप उसको निकालोगे देन उसके बाद निकालने के बाद उसके बाद आप एक तो फिर से वहां पे एक नई बेलीफ रखोगे सेम प्रोसेस रहेगा जब तक वो पूरी नहीं होती है तब तक ये चीज आपको परफॉर्म करना है फिर से आपने बेलीफ लिया उसमें रुपीस का सिंबल ड्रॉ कर सकते हो मनी लिख सकते हो जॉब लिख सकते हो कुछ भी लिख सकते हो ठीक है जो आपको चाहिए ठीक है इतना समझ आया मतलब न्यू मून से न्यू मून तक वो आपके पर्स में रहेगा उसके बाद जब न्यू मून आएगा उसको आपने निकाला बंद किया ठीक है उसके बाद फिर से एक न्यू मून उसी न्यू मून में आपको फिर से एक बिलीफ रखनी है सेम चीज के लिए फिर वो नेक्स्ट न्यू मून में फिर से निकलेगा वो ठीक है या फिर आप फुल मून पे आप सेम चीज के लिए कर सकते हो जैसे कि एबेंडेंस के लिए ठीक है जैसे कि एक मिनट हाँ जैसे कि आपको बहुत सारा एबेंडेंस चाहिए ठीक है तो और ग्रोथ चाहिए सपोज आपकी जॉब तो है लेकिन वहां पे आपको ग्रोथ चाहिए ठीक है तो वहां पे आप क्या करोगे आप ग्रोथ लिख दो ठीक है कैपिटल लेटर से ग्रीन कलर के स्केच पेन से उसके बाद आप फुल मून पे ये चीज करोगे ठीक है तो क्योंकि वहां पे हम फुल मून की एनर्जी देख के उसको और पावर बढ़ाएंगे आप न्यू मून में ये सेम चीज कर सकते हो पर्स में रख सकते हो ग्रोथ लिख के कैपिटल लेटर में ठीक है रिकॉर्डिंग अच्छे से देख लेना कंफ्यूज कहीं मत होना ठीक है अगर एक बार समझ नहीं आया ना तो अच्छे से फिर से एक बार रिकॉर्डिंग देख लेना ग्रोथ लिखना है आपको बेलिफ में पर्स में रख सकते हो जब आप न्यू मून में ये चीज कर रहे हो ठीक है अगर फुल मून पे कर रहे हो तो उसी वक्त आपको बंद करना पड़ेगा ठीक है अगर आप मनी के लिए कर रहे हो तो ठीक है आपने लिया बेली फुल मून वाला उसमें लिखा ग्रोथ कैपिटल लेटर से ग्रीन कलर के स्केच पेन से आपने कैंडल में उसको बंद कर दिया और जो भी उसका धुआं और स्मोक जा रहा है तो ये फील करना है कि वो यूनिवर्स की तरफ जा रही है आपकी सारी विश को लेके ठीक है ये समझ आया हम्म क्या न्यू मून से फुल मून तक रहा फुल मून टू फुल मून न्यू मून टू न्यू मून है है हाँ ना जैसे न्यू मून में आपने लिया बेलीफ को रखा ठीक है पर्स में रख दिया उसके बाद जब न्यू मून आएगा तो फिर से उस बेलीफ को निकालना है आपको आप कहीं पर भी रखो जहां पर आपके घर पे पैसे हो, ठीक है आपकी अगर शॉप है तो वहां पे अगर काउंटर है ड्रॉ वगैरह होता है ना तो वहां पे आप रख सकते हो कोई कैश बॉक्स है तो उसमें आप डाल सकते हो या फिर आपका कोई वॉलेट पर्स कहीं पर भी जहाँ पे पैसे आते हो वहां पे आपको रखना है लेकिन ध्यान के कि वो टूटे ना क्योंकि बहुत नाजुक होती है वो ठीक है तो कोशिश करो कि वो टूटे ना उसको रख दो बार बार निकालने की भी उसको जरूरत नहीं है आप एक बार रख दिए उतना ही काफी है ठीक है ये कोशिश करो कि आपको मतलब फील ही ना हो कि आपने ऐसी कोई चीज रखी है मतलब आप जितना उसको लैटगो करोगे वो चीज